ओवैप सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट स्टीलिंग कैंडी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक लेडी से। वो पूल के बगल में लेटी है, एक शख्स उसे देख रहा है। उसे अपनी बॉडी पर लोशन लगाने को कहती है। वो शख्स कहता है कि आपके हस्बैंड ने मुझे सिर्फ देख रेख के लिए रखा है। इस लड़की की जिद पर वो लोशन लगाना शुरू करता है। इतने में उसका हस्बैंड यहाँ आ जाता है। वो अपनी वाइफ के पास इस शख्स को देखकर उसे शूट करता है। यहाँ ये लेडी भी गन उठाती है और अपने हस्बैंड को शूट कर देती है। इतने में डायरेक्टर कट बोलता है। ये सभी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। पैकअप के बाद ये लड़की यहाँ से निकलती है। इसका नाम कैंडी है। बाद में रॉस से मिलती है। वो कहती है, मैंने अंग प्रदर्शन के लिए इस फिल्म को साइन नहीं किया था, मुझे इस टाइप के रोल नहीं करने। रॉस उसे कहता है कि अगर इस इंडस्ट्री में टिकना है तो उसे ये सब करना ही होगा। और वैसे भी जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब उसमें ये साफ साफ लिखा था। कैंडी जब जाने को होती है तब रॉस देखता है कि ड्राइवर नहीं है। वो कैंडी को ड्राइवर बनने को ऑफर करता है। वो कैंडी से कहता है कि वो ड्राइवर बनकर उसे घर तक छोड़ने को तैयार है। पर कैंडी खुद ही ड्राइविंग करते हुए चली जाती है। इस समय दूर से एक शख्स इनकी फिल्मिंग कर रहा है। वो कैंडी को चेस करता हुआ भी उसकी फिल्मिंग करता है। कैंडी के घर के सामने पहुंचकर भी वो कैंडी को फॉलो करता है। कैंडी घर के अंदर जाती है। यहाँ एक शख्स आता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये फ्रैंक है, फिल्म डायरेक्टर। कैंडी कहती है कि वो उसके फिल्मों में काम करने को तैयार है। उसकी बातों से ये पता चलता है कि वो बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। जो शख्स इन सब की शूटिंग कर रहा था, जब वो अपने घर आता है तब एक शख्स उसे गन पॉइंट पर लेता है। ये इसका दोस्त है। ये शख्स दिखाता है कि उसने कैंडी की फिल्मिंग की है। वो अपने साथी से कहता है कि इसे किडनैप करके ये काफ़ी पैसा बना सकते हैं। उसका साथी कहता है कि ऐसे में हम FBI की नज़रों में आ जाएंगे। ये शख्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी वो उस लड़की से कोई रैंसम मनी नहीं मांगेगा, वो किसी और तरीके से पैसे बनाएगा, शायद रैंसम मनी से भी ज़्यादा। इसका नाम फ्रेड है। ये अपने साथी ब्रेड के साथ अब पूरी प्लानिंग बनाता है कि ये कैंडी को कैसे किडनैप करेंगे। इसके बाद दोनों अपने एक और साथी वॉल्ट से मिलने जाते हैं। घर के अंदर वॉल्ट बताता है कि उसने 3 साल जेल में बिताए हैं। फ्रेड वॉल्ट के बारे में बताता है कि वॉल्ट ने US ट्रेजरी डिपार्टमेंट से $1 मिलियन चुराए थे। ब्रेड फ्रेड की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। वॉल्ट कहता है कि उसने ये सब कुछ एक लैपटॉप पर ही प्लान किया था। ब्रेड पूछता है कि ये उस मूवी स्टार की किडनैपिंग कैसे करने वाले हैं। फ्रेड कहता है कि ये उसे किडनैप करके उसके इंटीमेट होने की वीडियो बनाएंगे, उसे अपनी साइट पर डालेंगे और उन्हें पर व्यूज़ के हिसाब से काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। ब्रेड ये सब जानकर बड़ा इम्प्रेस होता है। वॉल्ट बताता है कि वो नेट सर्विस में इन्फिल्ट्रेट करेगा। ये 2 मिनट का फ्री पॉपअप ऐड डालेंगे। सबको इस एक्ट्रेस की लाइव इमेज दिखाएंगे। जब सारी दुनिया एक फेमस खूबसूरत एक्ट्रेस को बिना कपड़ों के देखेंगी तब सभी इस पर क्लिक करेंगे। हर 18वें सेकंड में क्लिक्स 3 गुने होते जाएंगे। इस तरह ये बिलियंस में पैसा बना सकते हैं और ये सब टैक्स फ्री होगा। इतनी बड़ी रकम इनके पास आएगी कि रैंसम मनी से भी ज़्यादा इन्हें मिलेगा। वॉल्ट दिखाता है कि उसने इनक्रिप्टेड कोड्स लिखे हैं। ब्रेड पूछता है कि इन सब में इन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। वॉल्ट कहता है कि जो भी इनकी साइट पर क्लिक करेगा वो पे करेगा और उसके इनक्रिप्टेड कोड्स ऑफशोर अकाउंट से लिंक होंगे, पैसे सीधे उन अकाउंट्स में पहुँचेंगे। ब्रेड पूछता है कि ये सब ट्रेसिंग से कैसे बचेंगे। वॉल्ट कहता है कि उसने फ्री फ्लोटिंग ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप किया है। उसके कोड से इनक्रिप्टेड फाइल्स का नेटवर्क शिफ्ट होता रहेगा, इससे हमें कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। वॉल्ट के जाने के बाद फ्रेड ब्रेड से बताता है कि वॉल्ट की वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया है और साथ में बच्चों को लिए भी चली गई है। इसके बाद हमें वॉल्ट को उसकी वाइफ के साथ दिखाया जाता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके बेटे की मेजर सर्जरी होनी है। वॉल्ट कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम कर रहा है। उसकी वाइफ कहती है कि उसे कोई स्कीम और स्कैम के पैसे नहीं चाहिए। वॉल्ट कहता है कि इस बार वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। बारबरा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद तीनों गन लिए किडनैपिंग की प्लानिंग करते हैं। वैन लिए ये कैंडी के घर पहुँचे हैं। ये लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैंडी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बाहर की तरफ आती है। लॉक तोड़कर ये घर के अंदर घुसते हैं। रात के अंधेरे में ये बेहोश कैंडी को अपनी वैन में लाते हैं। वैन के अंदर ब्रेड कैंडी से इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वॉल्ट कहता है कि ये सब इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए किया है, किसी सेलिब्रिटी के साथ सोने के लिए नहीं। फ्रेड कहता है कि एक बार ये पैसे बना ले तो उन पैसों से ये जिसे चाहे उस लड़की को खरीद सकते हैं। रास्ते में इनके पीछे पुलिस वैन लग जाती है। वॉल्ट वैन रोकता है जबकि फ्रेड कैंडी की पट्टियाँ खोल देता है, ये दिखाने के लिए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। कैंडी इस समय बेहोश है। पुलिस इंस्पेक्टर वैन के डॉक्यूमेंट्स देखता है। वॉल्ट बताता है कि ये वैन रेंटेड है। फ्रेड कहता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है।
या फिशिंग के लिए जा रहे हैं। इस समय कैंडी का फेस बालों से ढका है, पुलिस इंस्पेक्टर उसे पहचान नहीं पाता, वो इन्हें आगे का रास्ता भी बताता है। इसके बाद ये कैंडी को लिए एक घर में पहुँचे हैं, यहाँ ये कैमरा की सेटिंग करते हैं। वॉल्ट चारों तरफ देखकर इस बात की तसल्ली करता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। फ्रेड कहता है कि वो इस जगह को अच्छी तरह जानता है, इस घर के ओनर्स मर चुके हैं और यहाँ कोई नहीं आता। ब्रेड को उस पुलिस ऑफिसर का डर है कि कहीं वो तो नहीं आएगा। वॉल्ट के साथ वो बाहर जाकर इस बात की तसल्ली करता है कि कहीं पुलिस ऑफिसर इधर तो नहीं आया। ब्रेड एक शख्स को बैठे हुए देखता है। वॉल्ट कहता है कि उससे इन्हें कोई परेशानी नहीं, पर ब्रेड अपनी नाइफ से उसके पास जाकर उसे स्टैब करके मार देता है। इन सब के बाद ये सारी तैयारियों को अंजाम देते हैं। कैंडी की आंखों पर पट्टी बांधकर ये उसे कैमरे के सामने लाते हैं। पट्टी खुलने के बाद कैंडी चारों तरफ देखती है, वो ये समझ जाती है कि इन लोगों ने उसकी फिल्म बनाने के लिए उसे किडनैप किया है। ब्रेड उसे कहता है कि तुम अब और भी बड़ी स्टार बनने वाली हो। फ्रेड उसे स्क्रिप्ट थमाता है, कैंडी इससे इनकार करती है। फ्रेड कहता है कि उसे कोऑपरेट करना होगा। इसके बाद ये उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा देंगे। कैंडी कहती है कि ये सब उससे नहीं होगा, इन सब चीज़ों को उसने कभी नहीं किया। कैंडी यहाँ से जाने को उठती है, ब्रेड उसे गन पॉइंट पर लेता है, ये फिर से उसकी आँख पर पट्टी बांधते हैं। इन सब के बाद ब्रेड फ्रेड को घर के बाहर ले जाकर कहता है, तुमने तो कहा था कि एक्ट्रेस हमारी हर बात मानेगी, मैं पे रोल पर रिहा हूँ, अगर मेरे इस क्राइम के बारे में पुलिस को खबर लगी तो मैं हमेशा के लिए जेल में दिखूंगा। वो यहाँ फ्रेड को मारने की धमकी भी देता है। इन सब के बाद फ्रेड कैंडी के पास आकर उसके फादर को मारने की धमकी देता है। वो कहता है कि उसे सब पता है कि उसके फादर कहाँ रहते हैं, उनकी कितनी सारी बीमारियाँ हैं। यहाँ पता चलता है कि कैंडी के फादर को शुगर है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। फ्रेड उन इंजेक्शन को नहीं देने से इंसुलिन शॉक देने की बात करता है। इसके बाद वो कैंडी के फादर को फ़ोन भी लगाता है, कैंडी से उनकी बात भी कराता है। ये सब देखकर वॉल्ट कहता है कि ये सब इनकी प्लानिंग का पार्ट नहीं था। वो फ्रेड से बाहर निकलकर कहता है कि ये सब उसने पैसों के लिए किया है, पर कैंडी के फादर को बीच में लाना ये सब ठीक नहीं है। फ्रेड उसे कहता है कि ये सब एक नाटक है, उसके फादर को कुछ नहीं होगा। इधर ब्रेड कैंडी से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, इतने में फ्रेड यहाँ आ जाता है। वो कहता है कि ये सब स्क्रिप्ट के मुताबिक होगा, ना कि ब्रेड के मनमानी तरीके से। कैंडी भी कहती है कि उसे अपना मैन चुनने की फ्रीडम होनी चाहिए। सभी उसकी बात पर एग्री करते हैं। कैंडी ने हालांकि किसी की शक्ल नहीं देखी, पर फ्रेड जिसने उसके डैड से उसकी बात कराई वो उसी को चुनती है। इसके बाद ये फिल्मिंग करनी शुरू करते हैं। कैमरे के सामने कैंडी अपना इंटरव्यू लेती है। यहाँ सब कुछ ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से ये सब कर रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग इसे ऑनलाइन देख रहे हैं। वॉल्ट अपने टेक्निकल काम में लगा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक कैंडी कहती है कि इस वीडियो में कुछ भी एडिटिंग नहीं है, सब कुछ लाइव और रियल है। फ्रेड उसके करीब जाता है। इसके बाद ये दूसरी क्लिप बनाते हैं। कैंडी को दूसरे कमरे में रखा गया है। वॉल्ट उससे अकेले में मिलने जाता है। वो कहता है कि उसने कैंडी की कई मूवीज़ देखी हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस उसके सामने है उसे यकीन नहीं हो रहा। वो उसे माफ़ी मांगता है। कैंडी के घर से गायब होने की खबर अब मीडिया में फैल चुकी है। फ्रेड इससे खुश होता है। उसका आइडिया है कि इससे अब इनकी वीडियो और भी लोग देखेंगे। अगली क्लिप में इन्हें काफ़ी सारे हिट मिलते हैं, सेल्स भी बढ़ने लगती है। कैंडी स्क्रिप्ट के मुताबिक अपनी ये लाइंस बोलती है। फ्रेड और कैंडी यहाँ इंटीमेट होते हैं। इनका कलेक्शन 13 मिलियन पहुँच गया है। ब्रेड भी कैंडी से इंटीमेट होना चाहता है, पर फ्रेड उसे रोकता है। वॉल्ट बताता है कि इन सभी पैसों को उसने ऑफशोर अकाउंट में सेटअप किया है। वो कहता है कि आगे से ये पैसे मिलने के बाद कभी एक दूसरे से ये नहीं मिलेंगे। ब्रेड यहाँ वॉल्ट को पैसे के लिए धमकाता है। पीछे से फ्रेड उस पर वार करता है, ये उसे रस्सियों से बांध देते हैं और दूसरे कमरे में छिपा देते हैं। ब्रेड को जब होश आता है तब वो अपनी रस्सियाँ खोलता है, वायर का इस्तेमाल करके वो लॉक को खोलता है। वॉल्ट पर वो अटैक करता है। इसके बाद वो कैंडी से ज़बरदस्ती करने जाता है। फ्रेड यहाँ पहुँचता है, यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। ब्रेड फ्रेड को बेहोश कर देता है। जब वो कैंडी को गन पॉइंट पर लेता है तब वॉल्ट पीछे से उस पर वार करता है। वॉल्ट कैंडी को छुड़ा कर यहाँ से भागता है। इतने में ब्रेड यहाँ आकर वॉल्ट को शूट करके मार देता है। जब वो कैंडी के पास जाता है तब वो उसे सेड्यूस करती है। मौका पाकर वो ब्रेड पर वार करती है और यहाँ से भागती है। ब्रेड उसका पीछा करता है, उस पर गोली चलाता है, कैंडी बच जाती है। भागते हुए वो उस शख्स की डेड बॉडी देखती है जिसे ब्रेड ने नाइफ से स्टैब किया था। वो यहाँ से भी भागती है। ब्रेड पीछा करता है, उस पर गोलियाँ चलाता है, पर कैंडी बच निकलती है। भागकर वो एक घर में छिपती है। घर में ब्रेड उसे चारों तरफ ढूंढता है। कैंडी पीछे से मौका देखकर उस पर वार करती है और यहाँ से भाग जाती है।
वैन को स्टार्ट करके वो ड्राइव करना शुरू करती है। ब्रेड वैन के आगे आ जाता है, वो जख्मी होकर गिर जाता है। कैंडी पुलिस को फ़ोन लगाकर कहती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। बाहर निकलकर वो ब्रेड पर गन तानती है, तभी फ्रेड यहाँ पहुँचा है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये सब कुछ प्री प्लान था। कैंडी और फ्रेड ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था। ब्रेड ये सब सुनता है, वो फ्रेड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है। फ्रेड बताता है कि वो कैंडी को सालों से जानता है, उन दोनों को पैसों की ज़रूरत थी और साथ ही कैंडी को अपना करियर बूस्ट करना था, इसलिए उसने ये सब प्लान किया था। ओल्ड से भी कैंडी ने ही फ्रेड को मिलाया था। दोनों मिलकर ब्रेड पर हंसते हैं और कहते हैं कि ब्रेड की असली जगह जेल ही है। फ्रेड बताता है कि वो कैंडी से एक रिहैब में मिला था। फ्रेड इतने में ब्रेड को शूट कर देता है। इतने में यह पुलिस पहुंची है। फ्रेड ये देख कर सरप्राइज होता है। यहाँ कैंडी अपना नया कार्ड खेलती है, वो ऐसा दिखाती है कि फ्रेड उसे मारने वाला है। इससे पुलिस फ्रेड पर ही गोली चला देती है। कैंडी यहाँ अपने आप को विक्टिमाइज दिखाती है। ये कहानी अब मीडिया में फैल चुकी है, मीडिया पर्सनल उसका इंटरव्यू ले रही है। ये कहानी अब कैंडी के सर्वाइवल की कहानी बन गई है। अपनी कहानी में कैंडी वॉल्ट को हीरो बनाकर दिखाती है। वो कहती है कि वॉल्ट की फैमिली को पैसों की ज़रूरत थी, वॉल्ट ने उसकी बचने में मदद की पर वो मारा गया। कैंडी बताती है कि उसने वॉल्ट के बेटे के ऑपरेशन में पैसे दिए हैं। ये सब कहकर वो अपने आप को और भी फेमस करना चाहती है, इससे उसकी इमेज और अच्छी होगी और उसे बड़े रोल्स ऑफर होंगे। अंत के सीन में हम कैंडी को देखते हैं जिसके पास 13 मिलियन डॉलर्स हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म ख़त्म होने तक वॉल्ट, फ्रेड और ब्रेड तीनों मारे गए और कैंडी जिसे कि सारे पैसे मिल गए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।